यहाँ पे फटाफट डायग्राम देख लो, ये एरिया होता है आपका कंज्यूमर सरप्लस, ये होता है लॉसेस, और जहाँ पे ये आपको पॉइंट दोनों मिलता है, ठीक है, प्राइस और यूनिट्स, तो वो होता है आपका पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ठीक है, जहाँ पे आपका MUM बराबर होता है प्राइस एक्स के। ये कैसे सरप्लस, यहाँ पे देख लो कि मैं स्टार्टिंग में एक रोटी के लिए मान लो कि 10 रुपये देने के लिए तैयार था, लेकिन ठीक है मुझे वो चीज मिल कितने में रही, यहाँ पे आपको पता है प्राइस कितना था, 6-6 रुपये मिला था, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा सरप्लस। 2 यूनिट के लिए मैं 8 देने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे कितने मिल रहा था, 6 रुपये मिल रहा था। 3 यूनिट के लिए मैं कितना देने में तैयार हूँ, 6, और मुझे वो चीज 6 रुपये मिल रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपका प्राइस और मनी दोनों बराबर होती है, वो पॉइंट क्या होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसलिए ये क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस एरिया है। अब यहाँ पे देखो, मैं देने के लिए 4 यूनिट के लिए 4 रुपये रेडी हूँ, लेकिन मुझे कितने मिल रहा है, ये चीज 6 मिल रहा है, इसका मतलब ये एरिया क्या हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 5